हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की बात आज यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन की बात करूंगा। इस वीडियो को आप लोगों को क्यों देखना चाहिए और किस किस को देखना चाहिए, मेरे दोस्तों 3 डेट का डायलॉग याद है ना सर, आसान शब्दों में सिखाओ ना। तो इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी और बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन आसान लेवल पे देता हूं, सो दैट आप उन लेवल्स को पेपर पेन से नोट कर सको और अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे एक्सपायरी है उस दिन आप पीसफुली बैठकर बिना दिमाग लगाए उन लेवल्स के ऊपर रिएक्ट कर सको और मोटा पैसा छाप सको। क्या आपको पता है कल जो मैंने निफ्टी के लेवल्स दिए थे उसमें ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा इंट्राडे निफ्टी के अंदर हमने पैसा कमाया है। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 700 से 800 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में बिल्कुल सेफ साइड खेला है। सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल्स पेपर पेन पे नोट करने थे, उस लेवल्स पे आपको एंट्री करनी थी एंड सिट रिलैक्स विद किंग रिसर्च एकेडमी के साथ। गाइस, मैं तुक्काबाजी नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुक्काबाजी एक दिन, दो दिन, तीन दिन चलेगा, मोर देन 95% प्लस एक्यूरेसी लेवल और 330 से ज्यादा एपिसोड में बना चुका हूं। कल की बात आज, कुछ तो ट्रस्ट कर सकते हो। 10 दिन आप कम से कम किंग रिसर्च के लेवल्स को फॉलो करो। जो नए लोग हैं स्पेशली उनसे कहूंगा और उसके बाद बात करते हैं पैसा बना कि नहीं बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चलो क्या कल निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी करें, बनेंगे 50,000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट का टारगेट? चलिए गाइस, इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज माई एल्गो जो आपके सामने दिखा सर, वो मेरा एक छोटा सा एल्गो है जो मैं चलाता हूँ। ओके, अभी टाइम नहीं आया, एल्गो का सही टाइम आने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही सही टाइम आएगा मैं आप लोगों के लिए लॉन्च करूंगा, नो वरी एट ऑल। मैं कम से कम एक महीना आप लोगों को एल्गो दिखाऊंगा, आप खुद देखें, जज करें, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो वॉट एवर, एल्गो के ऊपर छोड़ देंगे हम लोग। तो अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ एल्गो के ऊपर, कुछ टाइम और चाहिए तब बात करेंगे, बैक टू बैक एल्गो का मैजिक आप लोगों को दिखाएंगे। एनीवे, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ निफ्टी चार्ट। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधुल, मजा आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर देना। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि मजा आया कि नहीं आया, पैसा बनाया कि नहीं बनाया, किस लेवल पे? 16170 के लेवल पे नोट करो, 16170 और 16147 के ऊपर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बाइंग 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 करने का सोच रहा था। एडवांस प्रेडिक्शन को बोलते हैं। और पिन पॉइंट में बात करता हूं, नो मैजिकल लेवल्स, नो ब्ला ब्ला ब्ला, चार्ट जो बोलता है हम उसकी बात करते हैं सर। रिजल्ट प्रूफ आपके सामने है मेरे दोस्त। 16070 से सीधे मेड हाई 16422 के आसपास मेड हाई, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो 350 पॉइंट की रैली जिधर से बाइंग बोला उधर से। सर बहुत मजा आया मेरे को, तो छप्पर फाड़ के पैसा बनाया। और बहुत आनंद वाली बात इसलिए मेरे को मजा आया कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो रियल फॉलोअर्स हैं, जो किंग रिसर्च को हर जगह से फॉलो करते हैं, चाहे आप ट्विटर की बात करो, ये देखो ये हमारा ट्विटर हैंडल है, ठीक है? यहाँ पे भाई साहब झड़ी लगा दी आप लोगों ने, जो भी आप लोगों ने पैसा बनाया है यहाँ पे भी आपने पिंग करके मेरे को पर्सनल मैसेज करके बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। डोंट मिस टू फॉलो आवर किंग रिसर्च हैरी जो ट्विटर हैंडल है। यहाँ पे मैं आपको लर्निंग के साथ साथ एजुकेशन भी देता हूँ। अभी अभी कल की बात, मैं एक्चुअली सिस्टम पे बैठा, सोचा कि आप लोगों के लिए कल की बात आज बनाता हूँ। और इतनी देर में मैंने कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल देखा, साथ ही साथ मेरे को क्रूड ऑयल पे नजर गई। मैं M6 मार्केट तो देखूँ कि ओवरऑल डाउन है या अप है, सो दैट आपको मैं कल की बात आज बनाने में मेरी हेल्प हो सके। तो मैंने देखा, मैंने कहा ओ तेरी क्या बढ़िया लेवल पे बैठा हुआ था क्रूड ऑयल और लोअर सर्किट पे बैठा हुआ था, क्विक ट्रेड किया। प्रूफ आपके सामने है, ये देखो प्रूफ, 5 मिनट के अंदर 1934 और 1940, 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर सर 8987 पे सेल किया, 100 पॉइंट की रैली इजीली विद इन 5 मिनट्स के अंदर कवर अप किया, 36,000 रुपीज का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिया, जिसका M2M नो ब्ला ब्ला, रिजल्ट प्रूफ आपके सामने मेरे दोस्त। सो दिस इज रूल बेस्ड सेटअप। तो मैंने ट्रेड करा और उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो यार हो गया, आप लोग का पैसा बन गया, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखाया। और साथ ही सर LNT 1676 1699 विद चार्ट लॉजिक के साथ मैं आपके साथ पोस्ट करता हूँ, ठीक है?
इसके सर डोंट मिस फॉलो आवर ट्विटर हैंडल, क्योंकि यहां पे ग्लेनमार्क 440 से 444 तक का रेट आपको यहां पे चार्ट लर्निंग के साथ मैंने यहां पे अपडेट किया। अभी ग्लेनमार्क में पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, हैव पेशेंस। तो डोंट मिस, और साथ ही साथ हैरी के चेरी शेयर्स, कुछ लॉजिक्स, कुछ अच्छे ट्रिक्स, कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, मैं यहां पे चार्ट के साथ पोस्ट करता हूं, सो दैट आप लोग को बेनिफिट मिल सके, सो दैट आप लोग उन लेवल्स को फॉलो करके पैसा बना सको। डोंट मिस टू फॉलो ट्विटर हैंडल। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन लोगों ने इंस्टाग्राम में फॉलो किया वहां से भी पैसा बनाया। मजे की बात सर, बहुत मेरे को आनंद आया कि आप लोगों को आज अच्छे से पैसा बना। मेरी बात समझना सर, मैं चिंदी एसएल की बात करता हूँ, बड़ा टारगेट की बात करता हूँ। अगर मेरे एसएल जाएंगे 10 में से 5 दिन मेरे एसएल जाने दो, नो प्रॉब्लम। बट अगर मेरा 2 या 3 या 4 दिन भी मेरा कॉल चल गया ना, इस तरीके से बड़े टारगेट से मैं बिलीव करता हूँ, और यही अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी मैं आप लोगों को डिलीवर देने की कोशिश करता हूँ विद ऑपरेटर साइकोलॉजी के साथ। अच्छा, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। 33,356 का क्लियर कट लेवल बोला था मैंने, बोला था इसके ऊपर आएगा तो ही बाइंग करना, तब तक आपको बाइंग करने का सोचना नहीं है। जाते जाते इसने भी आपको 700 से 800 पॉइंट की रैली दी, ये भी मैजिकल नंबर था। सर अभी तो पिक्चर बाकी है, क्या पिक्चर है, चलो अब आ जाते हैं, कम टू द टॉपिक, कल किन लेवल्स पे काम करें। कल एक्सपायरी है तो बी अलर्ट, ध्यान से समझना मेरे लेवल्स को, ध्यान से सुनना मेरे लेवल्स को, हल्के मत लेना। सो पेपर पेन लेके बैठ जाओ। क्लियर कट बोला था 16,070 के ऊपर बाइंग करना है, और आपके सामने रिजल्ट 370 जो टारगेट दिया था, फुल मजा हम लोगों ने लिया। नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट, राइट। अब लॉ एंड हार्ट ट्रेडर, जिसका शेयर का जिगर है, लॉ एंड हार्ट ट्रेडर लिसन केयरफुली, फ्रॉम दिस लेवल नॉट इंटरेस्टेड टू बाइंग। आपको लगा होगा अरे मार्केट में तेजी आ गई, अब तो वांदे म्यारे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, दिस इज अ डेड कैट बाउंस, ठीक है। तो अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, हैव पेशेंस, मैं आपको बताऊंगा सामने से। यू कैन गो शॉर्ट बिलो 16, आपको सेल करना है किसके नीचे, 16,347 के नीचे अगर आता है निफ्टी, आपको सेल करना है। एटलीस्ट 15 मिनट इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए, मेरा रूल नंबर 1 है। पेपर पेन में रूल नंबर नोट कर लिया करो, एग्रेसिव आके एकदम से नीचे आया आपने भाग के पकड़ लिया, फंस जाओगे भाई, हो सकता है डेड कैट एकदम से नीचे स्विंग मारा, नीचे एक लो बनाया, एक विक बनाया और उससे ऊपर खींच गया, तो उस तरह की चीजों में बच के रहना। तो 15 मिनट कम से कम सस्टेन होना चाहिए, इसके नीचे ठोकेंगे इट विल स्लाइड अप टू 16,270 का पहला टारगेट होगा, 16,247 का दूसरा टारगेट होगा, एंड 16,170 का तीसरा टारगेट होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यहां पे मेंशन करके दिया हुआ है। मार्क माई वर्ड, एनी डिक्लाइन, देखो जब मार्केट में पैनिक हो, रूल आप समझ लो, वॉर वाला जो सीजन चल रहा होता है ना, जब सीजन तो नहीं बोलेंगे सर, जब भी इस तरीके की बड़ी दुखद घटना होती है, वॉर वाला जो सिचुएशन होता है, इसमें हमेशा याद रखो लोअर लेवल पे बाइंग करने का सोचना है, एनी डेडिकेट बाउंस पे फिट ठोकने का सोचो, राइट। इसमें कोई तेजी नहीं होती क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो चुकी, जिस दिन हमारी ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी उसी दिन हम सोचेंगे कि नो प्रॉब्लम, राइट। सो बिटवीन दीज रीजन, क्या 16,247-170 का राइटर्स एक्टिव हो जाओ, 16,247-16,170 के आसपास आए तो आपको बाइंग करने का सोचना है, नो इफ नो बट, डोंट थिंक सेकेंड अपॉर्चुनिटी, डोंट थिंक, डोंट यूज योर ब्रेन, ओके। तो इन दीज लेवल यू कैन गो फॉर द शॉर्ट ऑन सेल, ऑन राइज भी करेंगे अराउंड 16,470 एंड 547 के रेंज पे आए, मार्केट का गैप अप खुले और इस रेंज में आए, तो यहां पे आपको एडवांस में बता रहा हूं ठोकना है। तो मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं 16,547 ये ऊपर का रेंज है, ठीक है। नीचे का रेंज मैं आपको लिख देता हूं जो कि 16,247 and 16,170 ये नीचे का जोन है। इस रेंज में आए बाइंग करेंगे, इस रेंज में आए तो सेल करने का कोशिश करेंगे, इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है मेरे दोस्त। सीखने की कोशिश करो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना कम से कम फॉलो करो, आपको बहुत कुछ ट्रिक्स लॉजिक समझ में आएगा। चार्ट के अंदर इन लेवल्स को ड्रॉ करो और देखो कैसा आएगा।
अगर आप चाहते हो कि मैं आपको चार्ट के अंदर लेवल्स ड्रॉ करके दिखाऊं, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न राइट सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, रोज करके मुझे भी लगता है अरे यार छोड़ना, मेरे को तो पता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोग ले, मैं लेके आऊं और आपको सीखने को मिले, कम से कम 5000 लाइक्स कम से कम इस वीडियो में होने चाहिए, सो दैट उस दिन से मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर प्यार दे रहे हो तो मैं आपको डबल बोनेंजा, डबल प्यार दूंगा, लाइव चार्ट के साथ भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। प्रॉमिस याद है ना, 5000 लाइक्स, तो ठोको अभी के अभी लाइक। अब बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, यस, इन बैंक निफ्टी मूविंग मोर अपसाइड गेम ओनली, क्योंकि आज बैंक निफ्टी इतने अच्छे से नहीं चले, जितने शिद्दत से दिल खोल कर निफ्टी ने भागा है उतने अच्छे से आज बैंक निफ्टी नहीं चली है। तो मैं समझता हूं 34156 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, 34156 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो मैं बाइंग करने का सोचूंगा। इट विल जूम टू किस 34 830 एंड 35 156, यानी कि 1000 पॉइंट तक का टारगेट मुझे बैंक निफ्टी में कल के एक्सपायरी के टाइम पे दिख रहा है। यस, ऑन राइज इस लेवल पे ठोकने का सोच रहा है, यानी कि जो राइटर्स हैं, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, 1% कमाते हैं। आई हम्बली सर ग्लैड कि आप लोग 1% कमाते हो, बहुत हैप्पी हूं मैं, ऐसा नहीं है, बट जो राइटर्स हैं 1% जो कमाते हैं, अगर आप 1% को 2% पे लेना चाहते हो तो आपको मार्केट नहीं पता कि मार्केट कहां जाएगी, आप नॉन डायरेक्शनल मार्केट में खेलते हो, तब जाके आपको आधा परसेंट 1% आप मिल जाता है, आप बहुत खुश होते हो, आप फाइट करना नहीं चाहते। बट दोस्तों मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं, जो स्पेशली राइटर्स हैं, जो स्पेशली राइटिंग में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे रिटेल हो चाहे बड़े प्लेयर, गाइज फॉलो कल की बात। आज ये जो लेवल्स दे रहा हूं इसके नीचे मार्केट इस रेंज में है तो ठोकने का सोच रहा है, यानी कि इसके ऊपर आप समझदार हो, कॉल्स में शॉर्ट करना है या फिर बाइंग करना है आप अपने आप जानते हो, आपकी स्ट्रेटजी आपके पास है, बस ये रेंज को फॉलो कर लेना और बताना कल पैसा बना कि नहीं बना। अच्छा, बिलो 33670 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, 34156 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इन शॉर्ट आई डोंट थिंक इट विल गेट बिग पॉइंट्स, ओके, सो पैनिक स्लाइड अप टू 33356 का हमारा टारगेट होगा। एनी डिक्लाइन यानी कि 33156 से 32830 ओनली थिंग फॉर द बाय। राइटर्स इसके नीचे क्या करना है, पुट बाई करना है या फिर पुट राइट करना है, पुट को सेल करना है या फिर पुट बाई करना है। तो आप कहते हो हमें मार्केट नहीं पता, हमें जानना भी नहीं है, मैं कहता हूं मुझे मार्केट पता है, निफ्टी कहां जाएगी, बैंक निफ्टी कहां जाएगी, एडवांस लेवल प्रेडिक्ट करके दे रहा हूं। अगर मैं आपको एक रेंज दे रहा हूं, बाकी इससे आसान मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता, एम राइट आर रॉन्ग? अगर हेल्प हो रही हो 10 दिन कम से कम फॉलो करो, ओपन चैलेंज कर रहा, हेल्प होगी, हेल्प हो रही हो दुआ में याद रखना, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, ये कैमरिला स्टॉक सेलेक्ट, कैमरिला स्ट्रेटजी, दो स्टॉक्स आए हैं, रिलायंस क्यूमिंस, रिलायंस जिन लोगों ने हमारे साथ अकाउंट ओपन कराया है उनके लिए हम लोग एक सेपरेट टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखा है प्रीमियम एल्गो ग्रुप के नाम से। गाइस अगर आप लोग हमारे साथ अंडर में अकाउंट ओपन करते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक मिल जाएगा, और एक्टिवली उसमें ट्रेड करते हो तो आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। रिलायंस का कॉल मैंने वहां पे आपको दिया हुआ था जिसमें 23,000 से ज्यादा का प्रॉफिट इंट्राडे बनाया, ये साथ ही साथ कैमरिला के फ्री स्ट्रैटेजी है जिसके बेसिस पे भी रिलायंस आया था, और हमने डायरेक्ट लेवल्स दिए थे, एक ही स्टॉक दिया था, एक ही स्टॉक, 1700 प्लस मेंबर्स हमारे साथ अकाउंट ओपन कराए हैं और वो ट्रेड कर रहे हैं, एक ही स्टॉक डेली एक और मैक्सिमम दो देता हूं, जिसकी एक्यूरेसी लेवल मोर देन 85-90% है। एक रुपए किसी को मत दो, सिर्फ हमारे अंडर अकाउंट ओपन कराओ, एंजॉय द होल लाइफ फ्री टिप्स। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टिंग, सबसे पहले मैं उनको शेयर करूंगा जो इन्वेस्टिंग की दुनिया के, अभी जो मार्केट में पैनिक आ रहा है, कौन सा स्टॉक कब बाइंग करना है वो भी मैं उनसे शेयर करने वाला हूं कल। गाइस बी अलर्ट, कल मैं आप लोगों को एक स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए शेयर करूंगा, तो स्टे ट्यून विद आवर अकाउंट ओपनिंग ग्रुप, ओके सर। टेलीग्राम चैनल ऑलमोस्ट 56,000 रुपीज का प्रॉफिट। गाइस सुबह सुबह आधे घंटे के अंदर मैंने आपको एक ट्रेंड का कॉल दिया था जिसमें 27,000 रुपीज का इंट्राडे प्रॉफिट बना के दिया है, 27,000 रुपए का एक ही ट्रेड, उसके बाद तो चलते रहते हैं। और गाइस जो लोग ऑप्शंस ट्रेडर हैं, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, ऑप्शंस ट्रेडर में आपको मैक्स टू मैक्स 2000 रुपए का रिस्क लेना है, 2000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है।
अगर आपके आपने ट्रेड लिया, आपको 2000 रुपए लॉस दिख रहा है, सर इमीडिएट 2000 रुपए का लॉस को काट लो, इससे ज्यादा होल्ड नहीं करना है, बात खत्म। सिमिलरली आपको 2000 रुपए का प्रॉफिट दे, प्रॉफिट 2 से 3000 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल जाओ, ज्यादा होल्ड नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑप्शंस में क्विक ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ, इमीडिएट बेसिस पे पैसा बनाने की कोशिश करता हूँ, बात खत्म। हैरी के चैरी शेयर गाइस, आप लोग को कल एडवांस में दिए थे एसएल टेक सिप्ला, एसएल टेक में 1% की मूवमेंट आई, सिप्ला में 1% की मूवमेंट आई, जो कि 16,000 रुपए का प्रॉफिट एडवांस प्रिडिक्शन, 6,000 स्टॉक्स में से सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 स्टॉक्स दिए, 2 कॉल एक्टिवेट हुए, दोनों में छप्पर फाड़ के पैसा मिला है, और क्या चाहिए। उल्टा पुल्टा फ्री स्ट्रैटेजी यूट्यूब में गो एंड चेक, ये 920 AM स्ट्रैटेजी फ्री स्ट्रैटेजी यू कैन गो एंड चेक, 930 AM स्ट्रैटेजी सर 45,000 रुपीज का प्रॉफिट हमारा 930 में बना है, नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी गाइस किधर हो, 390 पे आपको एंट्री मिली और 600 रुपए पे एग्जिट हुआ, 200 पॉइंट प्लस इंट्राडे प्रॉफिट है आपका। इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अगर 4 लॉट पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट 50 से 60,000 रुपए का है, जिसमें 20,000 रुपए का ROI इंट्राडे में बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजी यूट्यूब में गो एंड चेक, आपको मिल जाएगा। आप कहते हो सर स्ट्रैटेजी से पैसा बनता है, 16 से ज्यादा स्ट्रैटेजीज मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, पैसा तो बनता है, पैसा बनाने वाला आना चाहिए, तो सीखो और पैसा बनाओ। जय हिंद, अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो, और अगर आप एडवांस प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो अभी का अभी कॉल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया उस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले लो, सीखो और सीखो। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, जय माता।